वाइफ के साथ में हो तो चाहे अंदर से कुछ भी सोच रहे हो लेकिन मुंह पे यही बोल रहे हो कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ, तुम नहीं तो कुछ नहीं. उसको ये नहीं बोलना है कि मैं अकेले में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ ना, कि मैं जाता हूँ वहाँ पे 5 दिन के लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही यादें होती हैं. 5 दिन मैंने कैसे काटे हैं मुझे पता है, ये सब बोलना होता है. पर ऐसी बातों को अगर कोई बोल दे इस तरह से तो उसको एडिट कर देना होता है, ठीक है, याद रखना, हाँ, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे. सर एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज्यादा तंग कर रहा था इसलिए आया था. सर एक टाइम आता है लाइफ में कि अब तो इतना अचीव कर लिया, अब मतलब इसके बाद क्या, और वो बहुत खोखला कर देने लग जाता है अंदर से कि मतलब मुझे करना क्या है लाइफ में, कुछ करना है इतना बहुत ज़्यादा आ रहा है सर, मतलब वो नहीं रुक पा रहा है. और मैं नहीं आंसर लिए बिना जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं, मुझे सर रास्ता बता दो कि कैसे मिलेगा. मैं नहीं दूंगा आंसर आज. क्वेश्चन ये है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी. यस सर. लेकिन स्टिल अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, अंदर से और आ रहा है कि नहीं यार जितना है उतना काफी नहीं, आप कुछ और भी करना है. यस सर. आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये थॉट चल रहा होगा. यानी आप में से कितने ऐसे हैं जितना आपने सोचा था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कि यार इतना भी हो जाए तो बहुत है, आज आप यहां पर हो, उससे बहुत ऊपर हो, उससे बहुत ज्यादा है आपके पास जितना आपने सोचा था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है लाइफ के अंदर. मतलब सब कुछ मिल गया है लेकिन कुछ मिसिंग है, ऐसे कितने हैं यहां पर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो ऐसे में क्या किया जाए जब अंदर से ये आ रहा हो कि नहीं यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो क्या करो, अपने साथ में थोड़ा सा टाइम बिताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऐसा अपना फिक्स कर लो कि साल में 5 दिन मेरे अपने लिए है. यानी उन 5 दिन में आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पर आपको जाकर के अच्छा लगता है, लेकिन अकेले. अकेले मतलब अपना मोबाइल भी साथ लेकर के नहीं जाना है, लेके भी जाना है तो मेरे टाइप का वो जो होता है ना जिसमें टक 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 बस कुछ होता ही नहीं है जिसके अंदर, मतलब बात तो कर सको, SMS कर सको, उसके ऊपर कुछ भी ना हो. और कहीं ऐसी किसी जगह पर रुक जाओ जहां पर TV भी ना हो, क्योंकि ये नहीं कि वहां पर बैठ करके आप TV देख रहे हो, वही सीरियल देख रहे हो, तो आप वहीं हो जहां पर आप थे, कुछ भी नया नहीं हुआ. तो वहां पर जस्ट लेट एवरीथिंग गो, इस थॉट को भी छोड़ दो कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. क्लटर्ड माइंड से जब भी आप कुछ सोचोगे तो कुछ क्लटर्ड ही निकल करके आएगा, तो पहले उसको डीक्लटर कर दो. और अब डीक्लटर कैसे होता है, एक होता है टेम्पररी डीक्लटर. वो कैसे होता है, आपने मेरे सेशन देखे, थोड़ी देर के लिए माइंड क्लियर हो गया. होता है ऐसा है? नहीं होता है. एकदम ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ पूरी सॉर्ट आउट हो गई है, उसके अगले दिन फिर से अपनी औकात पता लगती है, फिर हम दोबारा वीडियो देखते हैं. और कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है. कुछ वीडियोस देखने के बाद ऐसा होती है फीलिंग, कभी नहीं होती. फिर हम उसी फीलिंग के लिए तड़पते रहते हैं जो हमको पता है शॉर्ट लिव्ड है, जो हमको पता है कुछ देर तक रहने वाली है. तो ऐसे में परमानेंट अगर इसको करना है तो कैसे करें, या मैं कैसे करता हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन, कि अपने माइंड को क्लियर कैसे रखता हूँ. आई स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन अ डे जस्ट विद माई सेल्फ, नो पर्सन, नो मोबाइल फोन, नो बुक, नो थॉट्स, जस्ट इन अ थॉटलेस स्टेट, इन सिंपल ऑब्जर्वेशन और वट एवर इज गोइंग ऑन, नॉट विद अ मोटिव टू चेंज समथिंग. हमारा यही मोटिव नहीं रहता है हमेशा. अंदर कुछ आ रहा होता है तो हम कहते हैं ये नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आ रहा होता जबरदस्ती आना चाहिए, यही नहीं चलता रहता सुबह से रात तक. और क्या चलता है बताओ? तभी माइंड हमारा क्लियरली सोच नहीं पाता है, क्लियरली चीजों को देख नहीं पाता है. तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो, फोर्स नहीं कर रहे अपने माइंड को कि आंसर दो मुझे, सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ ठहर गए, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट इज लाइफ. आंसर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यू नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेट एन आंसर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी. फिर तो वही अंदर से निकल करके आएगा जो निकलता आया है, जो आपको ऑलरेडी पता है. दोनों में फर्क देख पा रहे हो? देखो, साइंटिस्ट किसको कहोगे, एक वो जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसी को बार 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 डिस्कवर किए चले जा रहा है, उसको डिस्कवरी कहोगे? वो क्या है, वो तो लेक्चरर हो गया ना, खुद को ही लेक्चर दे रहा है या दुनिया को लेक्चर दे रहा है. अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी को रिपीट करता चला जा रहा है. साइंटिस्ट किसको कहोगे, डिस्कवर योरसेल्फ जिसकी आप बात कर रहे हो, खुद को डिस्कवर कैसे करें? तो डिस्कवर का एक्चुअल में मतलब क्या, कि हो सकता है आप कुछ ऐसे हो जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, दैट इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, दैट इज नॉट ऑलरेडी देयर इन योर मेमोरी. जो भी ऑलरेडी आपको पता है उसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम हो रही है. तो हो सकता है डिस्कवरी का मतलब हो कुछ ऐसा आपको पता लगे जो आपको नहीं पता है. वंस यू लेट गो ऑफ एवरीथिंग
जब आपने सब छोड़ दिया है, आराम से चल रहे हो विद माइंडफुलनेस. यू नो व्हाट माइंडफुलनेस इज? माइंडफुलनेस मींस कि आप अगर वहां पर गए हो कहीं भी 5 दिन के लिए अपने अकेले, मतलब जहां पर और लोग भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो भी कर रहे हो लाइफ को स्लो मोशन में चलाओ. मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ये नहीं, ये पागल हो जाओगे, ये हरकतें नहीं करनी है. स्लो मोशन इन द सेंस कि आपको सब कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है. ब्रेथ चल रही है, यू नो दैट. आप चल रहे हो, यू नो दैट. हवा चल रही है, पता है. कुछ हो रहा है, पता है. तो हो सकता है अंदर से रियलाइजेशन निकल करके आए, हो सकता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है. देखो अभी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपके पास में फाइनेंशियली तो सब कुछ है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ और मुझे करना पड़ेगा तब जा करके वो जो अंदर मेरे गड़बड़ हो रही है वो गड़बड़ ठीक होगी. अब हो सकता है आप कहो कि मुझे सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा या अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा. तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वो कर भी लोगे उसके बाद भी कुछ होने वाला है? उसके बाद भी तो हो सकता है कि वो खालीपन वहीं का वहीं रहे, कि आप कर लो और फंसते चले जाओ. क्या आप कहो मुझे अब दुनिया के लिए कुछ करना है, जैसे दुनिया के लिए करने जाओ तो आपको पता लगे जिनके लिए आप कर रहे हो वही आपको बेच के खा रहे हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, वही आपको गालियां दे रहे हैं. कभी प्रैक्टिकली ये सब करके देखो. किसी झुकी झोपड़ी में जाओ, वहां पे जाकर के बोलो कि मेरे को आपके लिए कुछ करना है. कभी प्रैक्टिकली करके देखो. वो कहेंगे क्या चाहिए भाई साहब, सीधा बताओ ना, पॉइंट पे आओ ना. तो किसके लिए क्या करोगे आप समझ रहे हो इस दुनिया की कॉम्प्लिकेशन? तो एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है. वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? आज जो आप जॉब कर रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशन ही तो है ना. तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये ना करके, ये जो मैं जहां पर हूं, अगर मैं ये करूं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नहीं होने वाली. लोग तो वहां पर भी होंगे, कुछ भी करोगे तो लोग तो चाहिए ना. तो लोग तो लोग हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, लोग तो लोग हैं. जब कुछ करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहां पर भी सक्सेस फेलियर तो है ही. वहां पर भी जो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है उसको बोरिंग बनने में कितनी देर लगती है? आज यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारी लाइफ बोरिंग हो जाती है एक तरह का काम करते करते. तो कुछ इंटरेस्टिंग भी आप करोगे तो उसको बोरिंग बनने में कितनी देर लगेगी? सो कॉल्ड जो लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, कभी उनको एक्चुअल में जाकर के ऑब्जर्व करो. जब उनको दूर से देख करके लग रहा होता है लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, जैसे कोई मूवी स्टार्स के उनको लगती है लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, जाकर के एक्चुअल में शूटिंग देखो कितनी बोरिंग है. मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, शूटिंग इंटरेस्टिंग होती है क्या? टेक पे टेक, टेक पे टेक, टेक पे टेक, बोरिंग है, मोनोटोनस है. शुरू शुरू में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, एकदम से अपने एक नई दुनिया में गए हैं. जब वो दुनिया पुरानी हो जाएगी वही बोरिंग हो जाएगी. समझ गए? तो प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं रहे. तो पहले स्टेप में क्या करो, जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग. इस बात को भी छोड़ दो जो बात मैंने भी कही. मैंने भी एक बात कही ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि वहां जाकर के आपको नहीं इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, तो गड़बड़ हो गई. वो तो मेरा थॉट है ना, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप रट रहे हो और अपने आप को रिपीट कर रहे हो ना. एक्चुअल में देखो ना लाइफ को, तो वहां से कुछ निकल करके आने लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी बीच के साइड में आप चल रहे हो नंगे पैर और एकदम आवाजें आ रही हैं, यहां से लहरों की आवाज आ रही है, एक लहर आई और गई, आई और गई, वहां पे इनसाइट्स आती है. डू वी नो व्हाट एन इनसाइट इज? इनसाइट इज मतलब अंदर से कुछ ऐसा निकल करके आता है बेस्ड अपॉन रियालिटी जो एकदम से माइंड को क्लियर कर देता है. कह रहे मेरी लाइफ भी तो इस लहर की जैसी है, आई और गई, आई और गई. मैं क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं कुछ भी पकड़ने की कोशिश ना करूं तो मेरी लाइफ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है. तो आप क्या हो गए, एक सेकंड में खुश हो गए ना. अब इस खुशी से एक्ट करो. अभी हम खुश होने के लिए एक्ट कर रहे हैं, खुश होने के लिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, खुश होने के लिए काम करने का सोच रहे हैं. पहले खुश हो जाओ, फिर अगर रिलेशनशिप में जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ. शादी करनी है करो, करने के बाद तलाक करना है कर दो, वाई नॉट? समझे? लेकिन खुशी खुशी करो ना. लोग खुशी के लिए कर रहे हैं, जो शादी कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है और जो तलाक कर रहा है वो भी खुशी के लिए कर रहा है. दोनों को गलतफहमी है, दोनों बेवकूफ है. मतलब करना भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, ज्यादातर लोगों के लिए. जो काम कर रहे हो करना पसंद नहीं है बट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, उनको बोलो ठीक है कुछ मत करो, किसी आश्रम में जाकर के बैठ जाओ, वहां पे खिलाते रहेंगे सुबह से रात तक, आपको 4 दिन में पक करके वापस आओगे. तो कुछ करना भी प्रॉब्लम है, नहीं करना भी प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं किससे, या तो कुछ करके या कुछ छोड़ करके. तो अगर आपके लिए कुछ ना करना भी सही है, दैट मीन्स यू आर ओके विद दिस मूवमेंट, वॉट एवर इज देयर
यू आर ओके विद दिस. अब चाहे आप रिलेशनशिप में जाओ चाहे ना जाओ, चाहे काम करो चाहे ना करो, दोनों तरफ से मजा आने वाला है. अकेले में जब कुछ नहीं हो रहा होगा तब इनसाइट्स आएंगी, जब सबके साथ में होगे तो इन्वॉल्व हो जाओगे बिना किसी डर के. काम करोगे तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे उस काम में. किसी के साथ रिलेशनशिप में होगे, जो भी आपका हस्बैंड है वाइफ है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे. और जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है. तो उसके बाद क्या होगा, ना इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम होगी ना सॉलिट्यूड प्रॉब्लम होगी. दोनों तरफ से आप फ्री हो चुके हो, वहां से कुछ एक नई शुरुआत होगी जिसको आप प्यार कहो, खुशी कहो, सेटिस्फैक्शन कहो. मतलब यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव, नॉट टू गेट लव. Sir, I have a question. Is it okay to be alone if you don't have people around you, if you don't have friends around you? Maybe because you're a pure soul and the rest of the people are not able to understand it because their soul is devil or evil maybe. क्या होता है, हम जब खुद को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमको ये गलतफहमियां पैदा होने लग जाती है. वो गलतफहमी क्या होती है कि I'm a pure soul and the other one is an evil soul. हमने क्या किया, एक सेपरेशन नहीं कर दिया खुद के बीच में और दुनिया के बीच में. खुद के बीच में क्या कि मैं प्योर सोल बाकी ईविल सोल. ये सेपरेशन मैं भी चाहूं तो कर सकता हूं. देखो मैं कितना प्योर हूं, कितना अच्छा काम कर रहा हूं, आप कितना ईविल हो, कर सकता हूं ना. हाँ. लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये सेपरेशन करूंगा क्या हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया से कट नहीं गया, मैंने एक बाउंड्री नहीं खींच दी अपने लिए. वो बाउंड्री क्या है अगर एक कैद की जैसी रही है तो? जिंदगी भर क्या मुझे उसी बाउंड्री में नहीं जीना पड़ेगा? या मजा इसमें है कोई बाउंड्रीज नहीं है कहीं पर भी. तो बाउंड्रीज कैसे खत्म होती है, जहां पर ना कोई अमीर है ना गरीब है, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई प्योर है ना कोई ईविल है. ये प्योर भी है और ईविल भी है. इस सच को देख लिया है अकेले में टाइम स्पेंड करके, तो आपने जो अकेले में टाइम स्पेंड किया उसका फायदा हुआ. अगर अकेले में टाइम स्पेंड किया और बोला कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी बुरी है, तो आपने और गड़बड़ कर दी और रायता फैला दिया. ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, जैसे ही स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है या ये सो कॉल्ड रिलीजन का नाम आता है तो उनके माइंड में क्या आता है कि अगर ये जो सेक्शुअल थॉट्स आते हैं ये बुरे हैं, ये नहीं आने चाहिए. अगर किसी के अंदर ये नहीं आ रहे तो वो बड़ा प्योर सोल है, जिसके अंदर आ रहे हैं वो सब ईविल सोल है. ऐसी ऐसी गलतफहमियां हैं हमारे माइंड में, नहीं है. तो अपने अकेले में बैठ करके देखा कि आते हैं भैया, यहां भी आते हैं. जो मर्जी कर लो, जो नेचुरल है सो है. नेचर ने जो जैसा बनाया है, फॉर एग्जांपल आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, आंखें फोड़ दो दिखना बंद हो जाएगा. ब्रेन है तो थॉट्स आएंगे ना, थॉट्स में कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे ना. अच्छे बुरे होता क्या है, उसको हम ही तो लेबल लगाते हैं ना. अपने थॉट्स पे अच्छा लगा देते हैं, दूसरों के पे बुरा लगा देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, या तो हम साथ में रहते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी को ईगो क्लैश बोलते हैं, या फिर हम अलग ही हो जाते हैं. अब चाहे आप एक से अलग हो चाहे सबसे अलग हो जाओ, तो सॉल्यूशन क्या है, कि होना क्या चाहिए, कि जब हम सबके साथ में है तो सबके साथ एक हुए पड़े. बच्चों के साथ है तो बच्चे बन गए, गरीब के साथ गए तो गरीब हो गए. वहां पर अपनी अमीरी नहीं दिखानी है, अब स्टाइल नहीं मारना है, अरे कितना गंदा आया है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ. गए हो अगर उसकी उसकी झोपड़ी में तो वहीं पर बैठे हुए हो, उसके साथ में वहीं बैठ करके खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो. ये नहीं कि वहां पे स्टाइल मार रहे हो, वेयर इज माय फोक, व्हेयर इज माय नाइफ. हिंदी काम नहीं करने हैं. हाँ, एक फाइव स्टार में बैठे हो किसी के साथ में तो वहां पे अभी ये नहीं कि हाथ से खा रहे हो. पुराने दोस्तों के साथ में हो तो ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी वो आपकी ले रहे हैं थोड़ा वो. मैं सही वर्ड यूज किया है, हाँ कॉमन. बाल अरे अरे ये तो नहीं होना चाहिए था. अब ठीक है जी, ठीक लग रहे हैं. खराब है, यहाँ से खराब हो गए, इधर से यहाँ से उड़े हुए हैं. अबे क्या बोल रहे हो, गंजा बोल दिया आपने मुझे, ईविल सोल्स. सर
देखो सैक्सोफोन तो हो गया, चलो ठीक है आप मुझे जैसे भी दूंगा, पर एक मन में जो शांति नहीं मिलती वो शांति कैसे, इसीलिए नहीं मिलती, मैं बता तो रहा हूँ आपको शांति क्यों नहीं मिलती, आप अलग हो गए हो, अलग मत हो ना, अकेले में भी आप अलग मत हो। अब देखना, ध्यान से समझना, मैं जब अकेला वर्ड यूज करता हूँ आप कहीं और निकल जाते हो, आप दो ही चीजें समझते हो, ज्यादातर लोग दुनिया में दो ही चीजें समझते हैं, तो सबके साथ या अकेले, अकेले मतलब क्या सबके साथ में नहीं है, सबके साथ में भी तो आप अकेले हो सकते हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया आप सबके साथ में हो, भीड़ में हो लेकिन अंदर से अकेला फील कर रहे हैं। लोग अकेलेपन की वजह से शादी करते हैं और अकेले हो जाते हैं। क्योंकि शादी से पहले फिर भी उसके माँ बाप उसके साथ थे। शादी से पहले शुरू हो जाता है, मतलब मम्मी कहती है कि वो आएगी तो वो नहीं करेगी जो हम कर रहे, वो कहती है मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो तुम्हारी माँ कहेगी, तो उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वी आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, कि 5 साल से 10 साल से बिल्कुल अकेले थे, अब दुकेले हो जाएंगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। तो करना क्या है, कैसे मिटता है सेंस ऑफ डिप्रेशन, जो रियलिटी है उसको समझो। रियलिटी क्या है, जो भी यहां पर आप सोचते रहते हो सुबह से रात तक वो सब इल्यूजन पे बेस्ड है, सब नकली है, सब गलत फहमियां हैं। सच कैसे नजर आता है, आंख खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है चारों तरफ, तो कहीं भी आपको कुछ भी खुद से अलग नजर नहीं आता है, आप और उसे अलग नहीं होते हो, तब आप देखते हो कि किस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। ये जो मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या हो सकती है इसको ईगो बोलते हैं। कुछ लोगों में ऐसा नहीं आ जाता है, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम सारे भाड़ में जाओ। अलग अलग प्रकार के खच्चर हैं इस दुनिया में, आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर आप देख लेते हो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वहां पर छोटी मोटी चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब छोटी मोटी चीजों की वजह से होते हैं। जो आप दुखी होते हो सुबह से रात तक वो छोटी मोटी चिंदी चीजों की वजह से होते हो। क्या कोई ऐसा है यहां पे वो दुखी हो रहा है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, इन मेरी जेब में 100 रुपए तो कहीं गिर गए हैं और 10 दिन तक सोचे जा रहे बैठे बैठे। ऐसे रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या हो गया, मेरी ईगो हर्ट हो गई। ईगो है कहाँ, देखो तो सही पहले ईगो को, ईगो सच है झूठ है, तो झूठ हर्ट होता रहा क्या फर्क पड़ता है, यानी यहाँ पे कोई भूत नहीं है उसको लग गई तो क्या हो गया, है कहाँ, किसको लगी। इसी को बोलते हैं खुद को समझ लेना। जितना आप खुद को समझते चले जाते हो उसका प्रूफ क्या है कि आप खुद को अच्छे से समझ रहे हो, आप हल्के फुल्के हो जाते हो। खुद को समझ लिया मतलब क्या, एक नौटंकी चल रही है चारों तरफ, उस नौटंकी में एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब माइंड में है, अच्छा बुरा बड़ा छोटा ये वो, ये सब यहां पर है, यहां पर जो भी है वो सब झूठ है। आपके यहां पर भूत भी हो सकता है, एक्चुअल में कहां है दिखाओ, नहीं यहां पर है, तो जो भी यहां पर है वो सब झूठ है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, फॉर हुम, कौन कहता है। ये कुछ भी सोचते रहो, दुनिया तो कहती है फुद्दू एक नंबर का। कई बार होता है आप लोगों से फ्रेंड्स हैं, आई एम मैरिड, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, मेरे को मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट हैव वेरी फ्यू लिमिटेड सर्कल इन माय लाइफ। अरे तो मेरा भी लिमिटेड सर्कल है, उसमें क्या दिक्कत है, तो अकेले रहना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आई इन्वॉल्व माय सेल्फ इनटू एनिमल हेल्पिंग, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई सराउंड माय सेल्फ विद पीपल, जितना काम है उतनी बात करी घर आए, बट नॉट सो कॉल्ड फ्रेंड्स आई हैव अपार्ट फ्रॉम। और सही है, बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह जाकर के सबके साथ में इन्वॉल्व हो जाओ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनसे आपको दूरी बना करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूँ वी आर वन विद द यूनिवर्स, हम सबके साथ में एक है, इस यूनिटी को आपने देख लिया है, सेंस ऑफ सेपरेशन मिट गया है, तो इसका मतलब क्या, पार्क में कहीं पर कोई सांप नजर आ रहा है तो जाकर के उसको प्यार करें। मैं और तू एक है, आ काट मुझे काट, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जीते जी भी और मरने के बाद भी।
दो अलग अलग चीजें हैं. एक है कि इस दुनिया में हम कैसे एक्ट करें, तो वहां पे सोच समझ के एक्ट करना होगा, देखना होगा किस पर्सन से कैसे डील करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, किसके पास आना है, किसके कितना पास आना है, किससे दूर रहना है. ये सब आ गया, एक्शन का पार्ट आ गया. अब जैसे आपका बॉस है तो उसके साथ में एकदम से ये नहीं कि फ्रेंडली हो जाओ जा करके कि आज ही मैंने यहां से सेशन से सीखा है कि हम सब एक हैं. अबे इधर आ पोपट, पीछे से बोलते हो मुंह पे बोल दिया है ना. एक है आपका नजरिया इस दुनिया को देखने का, एक है जो आप एक्शन ले रहे हो. नजरिया क्या है कि वो जो आग सामने नजर आ रही है और ये जो है वो एक है, ये है नजरिया. और ये सही नजरिया गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, धरती जल अग्नि वायु आकाश. क्या ये सही है गलत है? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं जाके समुद्र में छलांग लगा दी. पानी पानी में क्या होने वाला है, पानी पानी का क्या बिगाड़ेगा, मैं भी पानी हूं ये भी पानी है, डूब जाओगे मर जाओगे. तो अब पॉइंट आता है कि इस दुनिया में एक्ट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्टुगेदर. किस तरह से किस रोल को कैसे प्ले करना है, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, तो उस रोल को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, तब उस रोल को आप जस्टिफाई कर पाओगे. अलग अलग रोल्स को एक जगह पर आप कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. जब आप बॉस हो तो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी है, और जब आप घर में हो तो आवाज नीची रखनी है. आपको देखना है किस सिचुएशन में आप हो. ये हो गया इस दुनिया में कैसे एक्ट करना है. हम सब एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और कहो कि अब हम सब एक हैं और आपको एंड में महीने के एंड में सैलरी मिली, जाकर के सारी लुटा दो कि हम सब एक हैं, तो अगले दिन आप उनकी जगह बैठे होगे. भैया दे दे थोड़ा सा, समझ गए. तो इस दुनिया में सेंसिबली कैसे एक्ट करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल्टुगेदर. आज उसकी बात नहीं हुई आज के सेशन में, वो मेरे और बहुत सारे सेशन हैं वो आप देख सकते हो. आज क्या बात हुई है, अपने नजरिए को ठीक कैसे करना है. ये नजरिया बदल गया आपका तो आप हल्के फुल्के हो गए उस रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़ों की सारी जड़ खत्म, स्ट्रेस गायब हो गया, ठीक है ना. दोनों में फर्क देख लिया ना हमने, नजरिया बदलते ही क्या होता है. आप अकेले बैठे हो कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल किसी पहाड़ पर आप अकेले बैठे हो, एक है गलत नजर जो हम सबकी है, उसमें हम क्या होगा, हम और अकेले हो जाएंगे. फिर अंदर हम अपने आप को भरेंगे थॉट से, अंदर सबकी यादें आएंगी आएगी वो आएगी, ये सब गलत नजर का नतीजा है. सही नजर क्या है, जब आप वहां पर बैठे हो उस पहाड़ के ऊपर, कभी करिए आप लोगों ने ट्रैकिंग वैकिंग करी है, तो आप कहीं पर पहुंचे हो, मतलब मान लो ट्रैक करके दो दिन बाद तीन दिन बाद कहीं पर आप ऊपर बैठे हो, तो वहां पर आप जब बैठे हो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, वहां पर सोच नहीं रहे हो, आप फील कर रहे हो कि किस तरह से आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ में एक हो. वो जो ऊपर आसमान है, बादल है, ये है वो है, जो भी कुछ है वो सब आप में है और आप उस सब में हो. जैसे ही सच को आप देख लेते हो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो. अब आप दुनिया की नजर में अकेले हो लेकिन अंदर से जुड़े पड़े हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.